हेलो एवरीवन, वेलकम टू के आर एस सक्सेस शॉर्ट। के आर एस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अप टू 10 तक की मैथमेटिक्स, और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्क्वायर रूट, कि हम कैसे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो पहले जो आपका एक सिंपल मेथड होता है, मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ट्रिक का यूज़ करके स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। तो पहले तो ये समझने की चीज़ है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो होता क्या है। ये जो आपका ये दिख रहा होगा आपको, ये बना हुआ बाहर, इसे हम बोलते हैं कर्णी, ठीक है, कर्णी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट, जैसे देखिए लिखा है 256, ठीक है, 256 मतलब कि किन्हीं दो नंबर को, किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए स्क्वायर रूट है। यह चीज़ अगर तीन नंबर का होता तो ये क्यूब रूट हो जाता, बिकॉज क्यूब मीन्स होता है 3। 256 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है, 256। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। पहले 256 है, देखिए पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें सारे नंबर्स लेने होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। कितनी टाइम्स 2 आया है, हमें इसमें करना ये होता है कि जो भी नंबर्स आते हैं आपके एलसीएम में उनका हमें पेयर बनाना होता है। पेयर बना के क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 2 टाइम्स आया है, तो उन 2 टाइम्स में से वो एक पेयर हुआ, तो उन 2 टाइम्स में से हम एक 2 बाहर निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। ये पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 3 4, 4 पेयर बन रहे हैं। दैट मीन्स कि जितना पेयर बनता है, सेम नंबर है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हमें है, इन दोनों में से ये एक पेयर है, इसमें से एक 2 यहाँ लिखा, नेक्स्ट पेयर में से एक और 2, इसके बाद से इस पेयर में से एक और 2, और इस पेयर में से एक और 2, ये हो गया आपका 16। दैट मीन्स कि ये नंबर जो है 16 का क्या है, स्क्वायर है, और जो 16 है ये 256 का स्क्वायर रूट है। परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ 2 का आपका कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर यहाँ पे 3 3 होता, मतलब कि जो पेयरिंग होती वो 3 3 की होती, तो हम एक 3 बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 6 2 5 में, 6 2 5, क्योंकि ये नंबर देखिए आपका 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से ही कटने वाला है, तो 5 से हम यहाँ कट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 5 25, 5 1 5। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे सेम, कि हम यहाँ पे पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने का मतलब कि दो दो का पेयर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट हो रहा है। यहाँ पे 5 2 टाइम्स है, मतलब कि इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। नीचे वाले देखिए 5 में भी 2 टाइम्स 5 आया है, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक 5 बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा 25। दैट मीन्स कि 6 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। नेक्स्ट है आपको 1 2 2 5, इसे भी मैं यही कर दे रही हूँ, 1 2 2 5। ये देखिए ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, देखिए इसे क्या करते हैं हम, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 9 45, एंड ये हो गया आपका 7। यहाँ पे जो पेयरिंग बन रही है वो बन रही है देखिए 5 की और 7 की। दैट मीन्स कि दो बार 5 आया है और दो बार 7 आया है, तो दोनों में से हम एक एक बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया आपका 35। इसी तरह से कुछ अदर नंबर्स का भी हमें करना है, देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर है। एक देखिए दिया हुआ है 3 3 6 4, तो 3 3 6 4 है, ये आपका लास्ट में 4 आया है, दैट मीन्स कि ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 6 4। चलिए देख लेते हैं पेयरिंग में क्या बनता है, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, और ये हुआ आपका 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, लास्ट में 1 आया हुआ है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, और अगर ये जा सकता है, चलिए ठीक है देखते हैं ये किस नंबर से जाएगा। आपका आया है देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4,
फिर यहाँ से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अब आपके पास आ रहा है 8 4 1। अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि ये 8 4 1 किस नंबर से डिविजिबल होगा। 2 से नहीं हो सकता बिकॉज लास्ट में 1 है, ठीक है। 3 से भी देखिए 3 2 6 3 8 24, यहाँ भी 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है, ये 1 3 से भी नहीं होगा। 4 से नहीं हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं एक बार, 7 से भी नहीं होगा, और 8 से भी नहीं हो रहा है ये, और 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 11 7 जो 77 होता है और 77 के बाद से 5 बचेगा और 51 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता है। तो इसे हम देख लेते हैं ये किस नंबर से जाएगा। 29 से कटेगा, और ये देखिए 29 टाइम्स, अगर आपको पता नहीं है कि ये किस नंबर से कटेगा तो देखिए मुझे ट्रिक पता थी, यहाँ पे मैंने ट्रिक से इसे सॉल्व कर लिया है और 29 से ये कट गया, ये मुझे यहाँ से मालूम चल गया है। तो पहले हम बेसिक सीख रहे हैं और ट्रिक भी मैं आपको इसके बाद से ज़रूर से बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 29 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 2 × 29, और ये जो नंबर होगा इसका स्क्वायर बनेगा आपका 2 9 18, 2 2 4 और 1 5। ओके, नेक्स्ट हमारा बचता है आपका 8 4 6 4। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 4 6 4, और 8 4 6 4 देखिए लास्ट में 4 आया हुआ है, दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा बहुत ही ईजिली। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और आपका ये 2 6 जा 12। अगेन देखिए 2 1 जा 2 गया, यहाँ पे 2 नंबर है, दैट मीन्स कि इसको करने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और ये आपका हुआ 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। 529 सबको पता होगा कि यहाँ 23 का स्क्वायर होगा है, तो ये 23 टाइम्स चला जाएगा, और ये आपका देखिए 23 1 जा 23। यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे वो देखिए 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, और ये 23 का बन रहा है। तो जो इसका स्क्वायर रूट लिखने का तरीका होगा वो होगा 2 × 2 × 23, और इसे हम लिख सकते हैं 4 × 23, और ये हुआ आपका 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9। तो ये रहा एक सिंपल सा तरीका हमें स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है, कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये आपका एक सिंपल मेथड है जिसे हम हर जगह यूज़ करते हैं। अगर आपको मेथड से लग रहा हो कि ये बहुत लंबा है, तो मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेकंड्स में बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आपका जनरल मेथड होता है ये वो था। तो बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, बिकॉज ट्रिक का क्या है, कभी लगा हो सकता है आप एग्ज़ाम में जाओ और वहाँ पर भूल जाओ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बेसिक्स ज़रूर से जानिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।